ओके मोरगैंग गार्डन ऑफ बैनमैन 1, 2, 3 खेलने के बाद आज हम लोग 4 खेलने आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट गेम यहीं पर ये लोग दिखाने लग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट गेम है 6, जिसको काउंटिंग आती है उसको पता होगा 5 मिसिंग है, और उसके बाद 7 तो अभी अभी रिलीज हुआ ही है, उसी के लिए तो हम लोग पूरा सीरीज खेल रहे हैं। 5 के साथ क्या हुआ वो हम लोग को तब पता चलेगा जब हम लोग अभी 4th नंबर गेम खेलेंगे। 3rd नंबर वाले गेम में याद है कि क्या हो रहा था, ये बैनमैन तुम लोग को दिख रहा है, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे ना कि बैनमैन अच्छा है कि बुरा है, तो कुछ लोगों ने शायद मिस कर दिया। देखो मैं समझाता हूँ कि हो क्या रहा था, बैनमैन अच्छा ही है इसीलिए वो अपने आप को सर्वेलेंस रूम में बंद कर देता था। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि वो अपने आप को सर्वेलेंस रूम में क्यों बंद करता था, याद है वो बंद करके फिर हम लोग को वॉकी टॉकी से मैसेज दे रहा था कि तुम वहां जाओ तुम्हें ये करना है वो करना है, लेकिन फिर वो अजीब सा मॉन्स्टर बन के हमें मारने के लिए भी आ रहा था पीछे पीछे। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है अपने आप, वो कभी अच्छा होता है और कभी इविल हो जाता है, अपने आप होता है, उसका कंट्रोल खो गया अपने बॉडी पे से, इसलिए वो अपने आप को सर्वेलेंस रूम में बंद कर देता है ताकि वो किसी को भी हार्म ना पहुंचा सके। हो सकता है कि उस किंडरगार्टन स्कूल में जो और भी अदर लोग थे जैसे टीचर्स थे या फिर कुछ काम करने वाले लोग थे उस पर बैनमैन ने अटैक किया होगा, तब बैनमैन को पता चला होगा कि यार वो इविल बन गया है और उसको पता भी नहीं है कि वो कब इविल बन जाता है। तो यही हो रहा था। और ये जो जेलीफिश सिंगर फ्लाइन ये हम लोग को इतनी बार मिला और इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, एक्चुअली में ये अपने घर जाना चाहता है। याद है हम लोग को वो बीच पे हम लोग को दिखाया गया था और हम लोग को वो बता रहा था कि ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरे को आना है, वो हम लोग को विजन दिखा रहा था, सपना दिखा रहा था, और वो वहां अपने घर वापस कैसे जा सकता है, उसके लिए उसको बच्चे चाहिए, इसीलिए वो किंडरगार्टन के बच्चों को उसने किडनैप किया है, पता है उसने ये बात एडमिट कर ली थी वहां पे। लेकिन वो हम लोग को देख के ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बच्चे को बाद में छोड़ दूंगा और बाकी सब मेरे एक्सपेरिमेंट में यूज हो जाएंगे। तो स्टिंगर फ्लाइन जो जिसको हम लोग जेलीफिश बोल रहे हैं वो काइंड ऑफ ग्रे कैरेक्टर है, वो अच्छा भी नहीं है वो बुरा भी नहीं है, उसको खुद के घर जाना है लेकिन वो बच्चों को पकड़ के तो रखा है और अभी तक एग्जैक्टली उसने कुछ बुरा किया नहीं है लेकिन वो करने का सोच रहा है। और वहां पर हम लोगों ने देखा ही था कि जंबो जॉस बैनमैन के साथ फाइट करता है, इविल बैनमैन के साथ फाइट करता है और जंबो जॉस इविल बैनमैन को मारने ही वाला होता है कि उसको जेलीफिश आके रोक लेता है। लेकिन ये बैम्बलीना अभी भी जिंदा कैसे है, 3rd गेम में हम लोगों ने इसको जिंदा देखा था, बल्कि 2nd गेम में ही जंबो जॉस ने उसको एक मुक्का मार दिया था, तो भी वो जिंदा, इसका मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स जल्दी से मरते नहीं है, ये अभी इस गेम में हम लोगों को पता चल जाएगा। और इस गेम में कोई नया मॉन्स्टर भी होगा। काफी मैंने तुम्हें समरी दे दी क्योंकि ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरे को तुम लोगों को बताने में भी मजा आता है। तो हर बार की तरह सीसीटीवी से शुरुआत हो रही है, तो हम लोग वही पेरेंट है जो अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं और इसमें टाइम बहुत मैटर करता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, सेम फुटेज। ओके 12 बजे किसी ने दरवाजा खोला और ये वो स्नेल आ गया है और वो चला गया 2 बजे और रात की 3 बजे स्नेल ने कुछ गड़बड़ किया है। तो यस लास्ट गेम की एंडिंग में याद ही हम लोग एलिवेटर से नीचे आए थे इस बर्ड के साथ में, वो फाइट जंबो जॉस और इविल बैनमैन की फाइट देखने के बाद। तो अभी इस बर्ड को हम लोग को उठा के यहाँ से भगते हुए कहीं जा। ओह शिट, अरे यार भाई गेम शुरू भी नहीं होने दिया और यहाँ पे मॉन्स्टर इसमें से निकल के आने लग गए। वो वाला ही मॉन्स्टर आया अपना टू फेस मॉन्स्टर, पिछले ही गेम में हम लोगों ने देखा वो जीप से भी मारता और वो गोला भी फेंकता है, उसके साथ मजा बहुत आया था। तो अभी मेरे को सीधा भागना है, भागो, आ गया, ये देखो टू फेस, ओहो पूरा धरती हिला रहा है, ओ भाई साहब लेट्स गो भाई, गेम की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है। मैं अपने साथ अपना ड्रोन भी बुला रहा हूँ, वाह वाह वाह, ओ माय गॉड, भागते रहो। अरे मैं फंस गया, ओ नहीं ये रहा, ओ शेट मैं उल्टा क्यों जा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ मैं और ये धरती इतना हिल रही है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, बहुत लंबा चेस सीन दिया ना यहाँ पे तू, आजा भाई कहाँ रह गया, ओए आ गया ओ आ गया गेट आ गया, ये पतला हो गया तो अब यहाँ से शायद नहीं आ पाएगा। ओके ओके अबे घुमा फिरा के वहीं आ गया क्या, हमारा ड्रोन पहले से यहाँ पे कैसे है, और ये फंस गया, हाय ये ड्रोन मार उसके, एक तो रेप्टा दे उसको, एक रेप्टा, अबे यार इतना प्यार से रेप्टा देता है क्या तू, ये वाला गोला फेंकता है ये वाला जीप फेंकता, टू फेस टर्टल जैसा है, छोड़ो जो भी है ये। और अभी ओ बर्ड वो ये देखो मेरा पीछा कर रहा है प्यारा प्यारा ओके मेरे को लगता है दोनों बटन साथ में दबाना है तभी गेट खुलेगा, तो इसको यहाँ पे रख देते ना, हाँ देखा देखा यही करना था, लेट्स गो भाई, ये बर्ड को लेके घूमना है, मिनी ओपिला बर्ड हमारे साथ है, क्यों है
क्योंकि बस ये हमारे साथ है। वो दोनों बर्ड तो उस जंबो जॉश और इविल बैनमैन की फाइट में नीचे कूद गए थे दोनों के दोनों। अच्छा इसको भी यहाँ पे रख देते हैं और हम लोग को वहां जाना है और इसको दबा देना है, तभी गेट खुल जाएगा। और नहीं, अभी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाए, एक एक रेप्टा दो उसको। लेट्स गो, आजा मेरे बर्ड, तू बहुत काम आने वाला है इस वाले गेम में। चल भाई, अबे ऊपर ही बैठ गया, ये तो आने का नाम ही नहीं ले रहा, ऊपर कूद के जाना पड़ेगा इसके लिए। आजा, अबे भैया की गोदी में नहीं आएगा, अबे आ नहीं रहा यार। ओके मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है बाय बाय। ओके ठीक है चलो, ये वाला कंट्रोलर, हम लोग को नया कंट्रोलर मिला है यार, और इसमें टेस्ला का सिंबल बना हुआ ऐसा लग रहा है। लेट्स गो है, अबे कंट्रोलर लेती मैं गिर क्यों गया, लगता उसमें कोई घसीट के ले जा रहा है, उसमें शॉक लगने का कुछ चीज लगाया हुआ था। भाई बर्ड को पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है, इसलिए वो मेरे साथ आया नहीं। मिनी ओपिला बर्ड होशियार है। और ये फिर से हमारी आंख खुली है, यहाँ पे थम्स डाउन क्यों दिया हुआ है? गाइस तुम लोगों को थम्स अप करना है, लाइक करो। ओके ये शेरिफ टॉटस्टर जो हम लोग को बताया था आ गया, और ये हम लोग को प्रिजनर बोल रहा है। हम भाई खुद शेरिफ है, ये हम लोग को प्रिजनर बोल रहा है और बोल रहा है कि मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। तुम्हारा पहला टास्क बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें सिर्फ यस और नो में आंसर करना है, और तुम्हें यस और नो इन दो बटन से आंसर करना है। ओके, फेसिंग फॉरवर्ड द बटन ऑन योर राइट इज यस, ये राइट वाला यस है, लेफ्ट वाला नो है, तो दिख रहा है। ठीक है पहला क्वेश्चन। Someone locked up all the criminals in the swamp on the level above. Was that you? Yes, last game में हम लोगों ने इसको पकड़ा था, तो yes, वो मैं ही था। Okay, मैंने हाँ बोला। So thank you for that. ते बोल रहे कि thank you, तुमने सच बोला। Shall not be mentioned. Moving on. Second question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? क्या तुम इससे कभी contact में आए हो? मैं तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन मैं ना बोल दूँ क्या? नहीं आया। No. Well, consider yourself lucky. That's a crazy one. ये मान गया मेरी बात पे। Third question. वाओ, मैं कुछ भी आंसर दे सकता हूँ इसका मतलब। मैं इसमें भी नो ही बोलूंगा। That's not what I heard. Oh, इससे सुना है। ओके, इसको पता चल गया कि मैं थोड़ा-थोड़ा गलत दे रहा हूँ। Have you ever come in contact with this? भाई इसके साथ तो मैं कभी कांटेक्ट में नहीं आया। I thought so. हाँ, इसको ये भरोसा कर रहा है मेरी बात पे। ये तो नया कैरेक्टर आया है, गाइस। ओके। Have you ever come in contact with the threat shown on the board? हाँ, इसके साथ मैं कांटेक्ट में आया और मैं बोलूंगा, मैं आया हूँ भाई। Gives me the creeps. Yes, ये बहुत ही घटिया है। ये तू सामने तो खड़ा है, चलो हाँ बोल देता हूँ। I could tell something about your answers were fishy. है? क्या? All right. Grab your belongings from the back. Okay. And step out of the room. ये बोल रहे कि अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है? वाओ, मेरे को सामान भी ले जाने दे रहा है। ओके, इसने मेरे से सवाल जवाब किया और ये देखो मेंढक कहीं का। चलो, अभी ये मारे को तो नहीं ना मेरे को। What a waste of time. You don't even work here. हाँ, मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। मैं तो पेरेंट हूँ ना, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। You know what? ये बोल रहा मेरे को फॉलो करो, हम लोग अंदर में जाके बात करेंगे, यहाँ पे बात करना सेफ नहीं है। ठीक है, टॉटस्टर शेरिफ, और इसका थोड़ा ओके केयरफुल, इट्स नॉट वेरी स्टडी, इसका मतलब क्या गिरेगा क्या? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और ये शेरिफ देखो, बस एक छोटी सी टोपी और यहाँ स्टार मार्क लगा रखा है। तो शेरिफ बोलता है खुद को, हाँ तेरा पिस्टल कहाँ पे है? और इतना बड़ा गेट, अच्छा याद है गेम के एंड में हम लोग को एक दिखा था फाइंड द किंगडम और फाइंड द शेरिफ, यही है वो किंगडम। और वहाँ पे लिखा हुआ था जेटस्टर से बच के रहना, तो जेटस्टर मतलब क्लाउन होता है, जोकर। तो यहाँ पे हमें लगता है जेटस्टर भी मिलेगा कोई। It's not up to me to decide what to do with your partner. We need to talk to the queen. Oh, ये हम लोग को क्वीन से मिला रहा है। We need to talk to the queen. So, oh, वो री क्वीन, कैंगारू क्वीन याद है? बचिंगो बचिंगो करके कुछ नाम था। और यहाँ पर ये नया वाला कैरेक्टर का फोटो भी है। और ये क्वीन को देखो, वाव यार कैंगारू को बैठा दिया थ्रोन पे। ओके, इतनी बड़ी ताज भी पहनी है। योर मैजेस्टी, I've finished interrogating the new king. मैंने इससे सवाल जवाब कर लिया है। और ये क्वीन बोल रही है कि तुम इसको 1 से 10 पे क्या स्केल करना चाहोगे, जो तुमने इससे सवाल जवाब पूछा है उस पे। ये बोल रहा है जीरो। बोल रहा है कि ये ज्यादा बात नहीं किया मेरे से। ये हम लोग का थोड़ा दुख समझ रही है, क्योंकि इसको पता है कि हम लोग एक पेरेंट है जो दुखी अपने बच्चे के गायब हो जाने पे। तो ये बोल रही है कि मैंने कुछ बच्चों की रोने चिल्लाने की आवाज सुनी थी ऊपर से,
तो इसको लग रहा है कि शायद ऊपर में कुछ इंसान बंद है, तो ये बोल रही है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हें ऊपर ले जाने में, लेकिन पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। यस, इसका नाम है क्वीन बाउंसिलिया, द रूलर ऑफ द किंगडम, और ये है शेरिफ टॉटस्टर, द प्रोटेक्टर एंड ओनली अदर सिटीजन ऑफ द किंगडम। अच्छा, किंगडम में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, ये और ये। तो ये बोल रहे कि जो मैंने इतना रफ इंटरोगेशन किया था उसके लिए माफी, और जो एलिवेटर है उससे हम लोग को ऊपर जाना है, ऊपर में बच्चे बंद है। तो ये अभी टॉटस्टर को पूछ रही कि जो एलिवेटर है वो कैसा काम कर रहा है, तो ये बोल रहे कि एलिवेटर खराब है, उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग है। तो ये बोली कि कौन कौन से पार्ट्स, तो ये बोली, ये बोल रहा है कि मैं उन पार्ट्स को ढूंढ रहा हूँ। तो ये अभी हम लोग को बोल रही है कि तुम शेरिफ को अपने साथ ले जाओ और उस एलिवेटर को ठीक करो। अच्छा, हम लोग पार्ट्स को ढूंढेंगे अभी एलिवेटर के, ताकि हम लोग ऊपर जा सके अपने बच्चों के पास। ठीक है, तो चलो टॉटस्टर हमारी हेल्प करेगा एलिवेटर के पार्ट्स ढूंढने में, ताकि हम लोग अपने बच्चे के पास जा पाए। ये क्वीन तो अच्छी निकली यार, मेरे को लगा था ये मारेगी मेरे को। और ये बच्चा आ गया मेरा, लेट्स गो। ये क्यूट है भाई, इसको लेके घूमूंगा मैं। ये बोल रहा है कि वी आर इन ट्रबल, अ लॉट ऑफ ट्रबल, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। द क्वींस जेस्टर हैज गॉन रफ, जेस्टर मतलब होता है क्लाउन, जो हंसाता है। तो ये बोल रहा है कि क्वीन को हंसाना नहीं है, नहीं तो उसके पॉकेट से कुछ निकल जाएगा जिससे सब लोग मर जाएंगे। अच्छा यस, अगर हम लोग हंसते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है ना, तो अगर क्वीन हंसेगी तो उसके पेट में से कुछ निकलेगा जिससे सब लोग मर जाएंगे, इसने ऐसा बोला। एक मिनट, यस मेरे को याद आ रहा है, लास्ट गेम में क्वीन के पेट में याद है वो नथिंग नॉटी वंस रखे हुए थे। नॉटी वंस मतलब कि क्वीन अपने पेट में ना गंदे बच्चों को रखती है, बच्चा नहीं बोलेंगे मतलब गंदे लोगों को रखती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यस, अगर जेस्टर क्वीन को हंसा देगा तो उसके पेट में दर्द होगा, तो वो बच्चे पेट से निकल जाएंगे, वो नॉटी बच्चे, तो वो लोग पूरे किंगडम पे फिर शायद तहलका मचा देंगे। इस वजह से ये नहीं चाहता कि जेस्टर क्वीन को हंसाए। Okay. और ये बोल रहे हैं कि एलिवेटर के तीन पार्ट मिसिंग है, जो यहीं पे कहीं पे हैं। तो ये बोल रहा है कि आई बिलीव इट्स टू टिकट्स पर राइडर, टू फॉर मी, टू फॉर यू एंड टू फॉर द लिटिल बिग, देयर शुड बी सम स्कैटर अराउंड हियर। अच्छा, हम लोग को अभी टिकट्स ढूंढने हैं, तो अभी हम लोग को दो दो दो, इसके दो, मेरे दो टिकट्स और इस बच्चे के दो टिकट, हम लोग को टोटल सिक्स टिकट्स अभी यहाँ पे ढूंढने हैं। ओ, ये रहा टिकट काउंटर, और ये रहा अपना मिस्टर कबूब, लास्ट गेम में बहुत बुखरा था ये। यहाँ पे पिंक की कार्ड है, अरे बबुआ को गिरा दिया क्या मैंने, यहाँ पे पिंक की कार्ड और ये पहला टिकट मिल गया लगता है। यस, ऐसे करके सिक्स टिकट्स ढूंढने हैं। ये क्या है, ये कुछ है ना यहाँ पे। हेलो, हो ओ ओ ओ ओ ओ, जेस्टर था वो शायद, ये वो ही था। ओके, हम लोग को वो नया कैरेक्टर यहीं पे देखने को मिल गया है। तो अभी हम लोग पहले तो टिकट ढूंढते हैं फटाफट, और बाकी के टिकट कहाँ पे है ना, ढूंढो भाई जल्दी जल्दी। अभी हम लोग यहाँ पे दूसरा टिकट देखते हैं, ये पड़ा है शायद, इसको उठा लो। और यहाँ पर ये देखो, वॉन्टेड डेड और अलाइव का लगाया हुआ है। ओ माय गॉड, 1 बिलियन बैन कॉइंस। अच्छा, गार्डन ऑफ बैनमैन का बैन कॉइंस है यहाँ पे, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे अभी तीनों टिकट पहले तो डाल देता हूँ, लेट्स गो। यू हैव नो टिकट्स, अभी हम लोग को तीन और ढूंढने हैं, तो यहीं पे कहीं पे होंगे। ये रहा चौथा, ये इसी के ऊपर पड़ा है पांचवा, और सिक्स टिकट यहाँ नीचे पड़ा है, हो गया। चलो मिस्टर कबूम, आपके सारे के सारे टिकट्स इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, हो गए 6 टिकट। और कोई गेट खुला है यहाँ पर, ओके, और ये अंदर से कुछ लेके आ रहे हैं। ओके, ये गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओ ओ ओ ओ, ऑल अबोर्ड, सब लोग चढ़ जाओ, हमें यहाँ पर जाना है येलो कलर वाले में। और वो मेरा बच्चा वहाँ पे क्यों गया? ओके, यहाँ पे मेरे को स्विच भी दबाना है, तो येलो वाले को दबाते हैं, एंड लेट्स गो। ओके, I get your confusion, partner. ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा कंफ्यूजन समझता हूँ पार्टनर। Massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo. ये बोल रहा है कि एक अजीब सा टोड कैंगरू को बचा रहा है। सही बात है, कैंगरू क्वीन है, ये शेरिफ है। ये बोल रहा है कि पहले मैं एक कचरा की तरह था, मैं होपलेस था, मैं एमलेस था, लेकिन मेरे को कैंगरू ने हेल्प किया, शायद इसका वही मतलब होगा। यस, तो मैंने अपने आप को कैंगरू बेंसिलिया बना, भूल जाता हूँ उस क्वीन का, उसका प्रोटेक्टर बना लिया मैंने अपने आप को। अच्छा ठीक है, अभी इसकी बातें। ओए, मेरा ऊंग आ गया, और आ रहा है, मेरा बचुआ नहीं खोना चाहिए भाई। और मिस्टर कबूम हमारे साथ आगे आगे आ रहे हैं, और ये हम लोग घूम फिर के
अभी कहाँ पहुंच गए हैं, वेंटिलेशन सेक्टर में। बबुआ आजा मेरे साथ चल। और ये हम लोग जा रहे हैं, ये रहा जेस्टर, इसका नाम है बिटर गीगल। और ये बोलता है नथिंग इज अ प्रीशियस स्माइल्स, टेल अ जोक व्हेरेवर यू वॉक। अच्छा ये जोक सुनाता है, तो क्वीन को ये हंसाएगा क्या? लगता है आज ये पूरा गेम हंसने हंसाने पे जाने वाला है भाई। ऐसे भी अपना यही है मजा काम। चलो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे लगता है कोई पजल सॉल्व करना है। ये लोग बबुआ को यहाँ पे बिठा देते हैं, और ड्रोन कस्टमाइजेशन भी होता है, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है जैसे ही हमें ड्रोन कस्टमाइजेशन मिलता है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपने रिमोट को भी, अब रिमोट नहीं हुआ क्या, रिमोट को ब्लू करना जरूरी है भाई। लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आता, मेरे को इतना क्यूट लग रहा है ना ये, इसको लेकिन यहाँ पे रखना है क्या? अच्छा यहाँ पे देखो डेड और अलाइव का और दिया हुआ, ये तो स्नेल है, और ये जेलीफिश, इन पे भी 1 बिलियन का इनाम रखा हुआ है। ये सबको ढूंढ रहा है, ये बैन बैन की पूरी टीम को ढूंढ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो दो स्विच है, सबसे पहले तो लेटर भी है शेरिफ के बारे में दिया हुआ है। ये देखो ये ह्यूमन बूफो बूफो और जिवेनियम मिला के बनाया गया है। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी यहाँ पर अपने बर्ड को उठाओ, यहाँ पर रखो, और फिर वो वाला स्विच हमें जल्दी से दबा देना है। ओके, और वहाँ पर अभी हमें अपने रिमोट कंट्रोल से उसको भेजना है, जबकि अबे टॉड बीच में आ गया, चल अभी दबा दे। ओके, और वहां पर वो वाला नहीं दबाना है क्या, अभी यही दबाना है खाली। तो चलो वो वाला गेट खुल गया, लेट्स गो। लगता है टॉड ये लोग हमारे साथ अभी जाएगा नहीं, हमें ही घुसना है। ओके मैं घुसने के लिए रेडी हूँ, अंधेरे में मैं उल्टा मुंह कर। क्या हुआ? ये बोल रहा कि तुम वहीं रहो और हिलना मत, मैं एक तरीका ढूंढता हूँ गेट खोलने का। भाई तू ही मेरे साथ आया नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। ओके ये पूरा, हाय आई एम ए हंग्री स्नेक, डू यू हैव एनी फूड। ये हंग्री स्नेक है, कहीं से भी स्नेक जैसा तो लग नहीं रहा है, ये स्नेक है। हेलो स्नेक। ओ भाई ओके जेस्टर हमें मारने आ रहा है, अबे मैं क्या करूं, मेरा ड्रोन भी नहीं आ रहा। ओ गेट खुल गया भाई, बचा। ओ वाओ इसने बचाया मेरे को, टॉस्टर अच्छा आदमी है भाई। ये ही जेस्टर है, मेरे को लगा ही था, इसका नाम बिटर गीगल है। Let's grab the party, get out of here. और ये बोल रहा है कि चलो हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उसको पता चल गया कि हम लोग किंगडम के अंदर नहीं है, और वो क्वीन को हंसाना चाहता है शायद। चलो 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 अभी हमें आगे बढ़ना है भाई, ये एकदम ऐसा मैग्नेट की तरह मेरे साथ चल रहा है, तो मेरे को यहाँ जाना चाहिए लगता है। ओके आइए, ये एक नया गेट खुला है, और यहाँ पर लिखा है कैन सेंस डेंजर। ओहो हमारा छुटकू बेबी डेंजर सेंस कर सकता है, इसमें ये लिखा हुआ है, तो अगर कोई डेंजर होगा तो ये बोलेगा शायद। अच्छा ये वेंट्स है, ये बोल रहा है कि सारे इंटरकनेक्टेड है, ये बोल रहा है इनमें से कुछ वेंट्स खराब है शायद, या फिर कुछ है, तो देखते हैं हम लोग को पता चल जाएगा। चलो चलते हैं। ओ भाई ओके, इन वेंट्स के अंदर में नैब नैब है, और जब नैब नैब आएगा तो ये बर्ड चूचू करेगा। अरे भाई देखो यहाँ पर तो यही लिखा है कि ये बोल सकता है, और जब इसको कोई खतरा लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब खतरा, तो ये गाना गाएगा। अभी यहाँ से जाके देखते हैं, क्योंकि ये बीच वाले रास्ते से तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, और ये सारे इवेंट्स इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे तेरे को खतरा लग रहा है? नहीं लग रहा। यहाँ पे कोई खतरा है? नहीं है। आगे बढ़ो, अभी हम लोग स्टेज 1 क्लियर कर लिए है, तो अभी स्टेज 2 में या तो यहाँ पे खतरा हो सकता है, या यहाँ पे या वहाँ पे, तो इन तीन में से अभी यहाँ पे देखते हैं क्या तेरे को खतरा लग रहा है। ओके लग रहा है बोला। इधर वाले में देखते हैं, अबे टॉर्चर मेरे चिपक चिपक के आ रहा है एकदम। तेरे को यहाँ खतरा लग रहा है? नहीं यहाँ कोई खतरा नहीं है। ओके मैं समझ गया कैसे करना है। तो अभी यहाँ पे खतरा लग रहा है इसको, आगे वाले इवेंट में खतरा है। इधर से चलते हैं, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, इसका एकदम हल्का सा चूचू का आवाज आता है। यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। अभी बस एक लास्ट स्टेज और है, तो तीन में से किस में, दो में खतरा है, इसमें है, इस वाले में भी नैब नैब है क्या, इस वाले में भी नैब नैब है, तो वो वाला सही है। अब हम लोग को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेट्स गो। टॉर्चर साथ में आ। और ये रहा रूम, हम लोगों ने इतना लंबा ये पार किया, और इसको भी गिराओ और खोलो और पकड़ लो। अरे बबुआ आ नहीं रहा मेरी गोदी में, लगता कुछ कांड होने वाला है यहाँ पे। ये है सिस्टम ऑपरेबल, लगता है अभी फिर से कोई तगड़ा पजल सॉल्व करना है। लोग दोनों चिपक चिपक के आ रहे हैं एकदम मेरे से। ये है टेम्पररी शटडाउन। ओके और ये क्या है,
इसको मैंने ऑन कर दिया जिससे मेरे को ओके एलिवेटर का एक पार्ट मिल गया है। अच्छा टेम्पररी शटडाउन करने से क्या हुआ कि वो सारे के सारे वेंट्स बंद हो गए लगता है, तो अब हम लोग सीधा जा पाएंगे, है ना बबुआ, चल मेरे साथ। ये देखो आजा 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 कैसे भाग रहे हैं। तो एलिवेटर का फर्स्ट पार्ट हम लोग को मिल गया है, अभी दो और पार्ट चाहिए और हम लोग इन दोनों के साथ में मिशन कर रहे हैं। इस पे वापस से बैठना है और पहले इसको दबाया, मेरा बर्ड वो रहा, बर्ड अलग से क्यों आता है, मेरे साथ क्यों नहीं आता है। और ये नए स्टेशन पे आ गए हम लोग, इसका ना ओ नहीं ये भी स्किप कर दिया हम लोगों ने अपने आप ही। और अभी आ गए हम लोग किधर में, एम्प्लॉय एक्सरसाइज सेक्टर में, ठीक है अपना बर्ड भी आ गया, लेट्स गो। अरे भाई ये क्या है यार, ऐसे क्या घूमते रहेंगे, मेरे को क्या दबाना है क्या वापस। ओ हम लोग वापस से वहीं आ गए जहां से टिकट लिए थे। अच्छा पूरा घूम फिर के आए हैं, अब मत बोल देना वापस आगे चला जाएगा। अभी हम लोग हाउसिंग सेक्टर में आ गए हैं, तो अभी उतरना है कि नहीं सर, उतरना है ओके लेट्स हेड फॉर द एलिवेटर टू सी इफ द पार्ट फिट्स। अच्छा हम लोग एलिवेटर में चेक, अच्छा ये एलिवेटर नहीं है, मेरे को लगा था ये एलिवेटर है, ऑब्वियसली ऊपर तो जा ही नहीं रहा ना, एलिवेटर ऊपर जाता है वो तो सिर्फ घुमाने फिराने के लिए। तो एलिवेटर के जो तीन पार्ट मिसिंग थे उसमें से पहला पार्ट हम लोग मिल गया और वो भी हम लोग एलिवेटर में लगा के चेक करेंगे कि यह पार्ट सही है कि नहीं। और हमारा बर्ड हमसे पहले ही आगे भाग रहा है, ऐसे तो मेरा पीछा कर रहा था ये, हाँ इसको अच्छे से पता है एलिवेटर कहाँ पे है। अपना मेंढक इतना धीरे धीरे आ रहा है, बर्ड तेजी से भाग रहा है और मैं बीच में फंस गया हूँ इनके। और ये बर्ड अपना यहाँ पे रुक गया फाइनली। अच्छा ये एलिवेटर, इस एलिवेटर का पार्ट हमें चेक करना है, तो कैसे करें चेक, एंड ये मैंने इसको पीस दे दिया और इसने लगा दिया। अच्छा ये लगाया लगता है इसने, ये बोल रहा है कि तुम यहाँ पे थोड़ी देर घूमो और बाद में जाके रानी से बात करना। ओके तो ये यहीं पे रहेगा और हम लोग अपने बर्ड को लेके नहीं जा सकते क्या, चल मेरे बर्ड नहीं जाएगा तू, ठीक है मैं फिर क्वीन से बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या है, अच्छा ये इंटरोगेशन रूम जहाँ पर उसने मेरे से पूछताछ की थी, यहाँ से हम लोग निकले थे और फिर हम लोग क्वीन के पास चले गए थे, क्वीन का रास्ता उधर ही तो था। यहाँ पर हम लोग वहां से नीचे आए थे लेकिन क्वीन का किंगडम यहाँ पर है, तो अभी हम लोग जाके क्वीन से बात करते हैं, देखते हैं क्वीन बाउंसिलिया द मैजेस्टी हम लोग से क्या बात करना चाहती है। ये वेलकम बैक, आई होप योर जर्नी वाज वर्थ इट, और तुम्हारा एलिवेटर थोड़ा ठीक हो गया है। ये मेरे रिस्पेक्ट करती है क्योंकि मैं बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, ये अच्छी है काफी क्वीन बाउंसिलिया। एज अ टोकन ऑफ माय रिस्पेक्ट ये मेरे को एक ब्लू की कार्ड दे रही है जो कि एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट की तरह काम करेगा। सही बात है, ये मेरे पर ट्रस्ट करने लगी है इसलिए मेरे को एक ब्लू की कार्ड दे रही है और ये मेरे को इस किंगडम का एक ऑफिशियल सिटीजन बना रही है। तो यानी अब हम लोग इसके थर्ड मेंबर हो गए, पहली तो ये खुद, दूसरा टॉट्सर और तीसरा हम। पॉपुलेशन ऑफ 5। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा ये बोल रही कि 5 लोग हो गए। A friend of yours showed up while you were away. Okay. He was in a damaged state. अच्छा. I told him to stay in the infirmary. ये बोल रही है कि हमारा एक दोस्त भी आ गया है यहाँ पे, पहले तो ये लोग दो ही लोग थे, हम लोग को मिला के तीन, लेकिन ये अभी 5 बोल रही है, ये शायद बर्ड को भी काउंट कर रही है, तो भी 4 होना चाहिए लेकिन ये 5 बोल रही है। तो ये बोली कि हमारा एक दोस्त यहाँ पे आ गया है, तो उसको मिला के 5 बोल रही है, उसको भी ये सिटीजन बना चुकी है और इसने हम लोग को ब्लू की कार्ड दिया है, तो वो यहाँ पे पड़ा है शायद ये रहा। तो हमारा जो दोस्त आया है वो कहाँ पे है, हम लोग को कहाँ मिलेगा वो, पहले चलो इस क्वीन को अच्छे से देखते हैं थोड़ा घूम फिर के। ये हम लोग को घूर रही है, कहाँ जा रहा है वे, कहाँ देख रहा है ऐसे। वो ये क्वीन के पास इतना सारा ये जुवेनियम है, ये सारे इन मॉन्स्टर्स के खून होते हैं एक तरीके से, और ये इसके पॉकेट में नॉटी वंस है, अगर इसको हंसाएंगे ना तो इसके पेट से नॉटी वंस निकल जाएंगे, इसलिए हंसना नहीं चाहती। सही बात है, तो हम लोगों ने रानी से ब्लू की कार्ड ले लिया और अभी हम लोग को अपने दोस्त से मिलने जाना है, क्योंकि यहाँ पे मिलने जाना है, ये रहा इन्फर्मरी, यहाँ पर ही हम लोग को अपने दोस्त से मिलने जाना है। तो मैं अपने ड्रोन को बुला लेता हूँ, भाई मेरा ड्रोन तो मेरे साथ आ, वो बर्ड तो आया नहीं, ये आ गया मेरा ड्रोन, और चलो इन्फर्मरी में चले। ओ बैनमैन, बैनमैन जिंदा है ना, हाँ उसको सिर्फ पंछी तो मारा, तो मैं अंदर जा सकता हूँ ना, वो ब्लू की कार्ड इसलिए दिया है ताकि मैं इन्फर्मरी में जा सकूं। ओ बैनमैन, मेंशन्ड हैविंग मेनी विजिटर्स इन वन डे, क्वीन ने बोला कि तुम दिन में सिर्फ एक ही आदमी से मिल सकते हो और वो मैं हूँ। व्हाटएवर आई ट्राइड डूइंग टू यू, ये बोल रहा है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मैं करना नहीं चाहता था, वो मैं नहीं था, मैं फोर्स, मेरे को फोर्स किया गया वो करने के लिए, मैं तुमसे बात करने के लिए, मैं इतने दूर से तुमसे बात करता था। सही बात है, ये उस रूम में हमसे बात करता था ना, सर्वेलेंस रूम से बात करता था वॉकी टॉकी के जरिए,
और ये बोल रही है कि क्वीन ने इसको एलिवेटर के बारे में भी बता दिया है। और बैनबैन बोल रहा है कि मैं अपने आप को थोड़ा बहुत अभी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी फिर से हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम वो मिसिंग पार्ट्स एलिवेटर का ढूंढ पाओ। तो ये बोल रहा है कि मैं तुमसे एक स्टेशन में मिलूंगा बाद में, ठीक है। ये अभी यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता है और बाद में हम लोग से एक स्टेशन पे मिलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ आया कि अपना की कार्ड ले लो। यहाँ पे कोई की कार्ड पड़ा है क्या? ओके, ये रहा, यहाँ पे एक ऑरेंज की कार्ड पड़ा है। ये फ्लोर 4 का है, लगता है ये वही फ्लोर है जो हम लोग को ऊपर जाना है ना, उसी फ्लोर का है शायद। समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द सेल एट द एंड ऑफ द हॉलवे। इस हॉलवे के एंड में हमारा कोई वेट कर रहा है क्या यहाँ पे इसके अंदर? ओके, देखते हैं। जब भी कोई गेट खोलता हो ना, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है कि कोई आ जाएगा मारने के लिए। चलो चलो, यहाँ पे कोई जेलीफिश, जेलीफिश। यह बच्चों को बंदी बना रखा है, ये अच्छा भी है बुरा भी है, कंफ्यूजन ही है। तो अच्छा, ये है वो फिफ्थ, ये है वो फिफ्थ सिटीजन, वो जो कैंगारू क्वीन है ना, इसको फिफ्थ बोल रही थी। वो मेरे बर्ड को फिफ्थ नहीं बोल रही थी, वो इसको बोल रही थी। अच्छा अच्छा, हमारे किंगडम में अभी टोटल 5 लोग हो गए हैं, तो इसको यहाँ पे बंदी बना रखा। अच्छा, मैं इससे बात करने के लिए बटन दबा सकता हूँ, तो ये अपनी आंखें खोलेगा क्या? ओ खोला खोला, देखते हैं क्या बोलता है ये। इट्स यू, ये बोल रहा है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ। ऑब्वियसली देखो, इसको क्वीन ने पकड़ लिया, एकदम जकड़ लिया अच्छे से। ये बोल रहा है मैं जॉस, जंबो जॉस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो और गुस्सा ही हो गया। ये बोल रहे कि अब हम लोग दोनों ही बच्चों के पास नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग ऐसे कंडीशन में आ गए हैं। ये बोल रहे कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये फिर से हमें विजन दिखाएगा। ये जब भी जो हमें विजन दिखाता ना, वो इसका पास्ट होता है। हम लोग जो भी खेले भी थे ना, वो ऑक्टोपस बन के जो हम लोग बटन दबा रहे थे, वो भी इसी का ही पास था। वो इसके साथ जो हुआ था वो हम लोग खेलते हैं, देखते हैं। अभी इसके साथ क्या हुआ था यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब है, ओपिला बर्ड है, बैनबैन है, नैबनैब भी है। नैबनैब अच्छा था पहले। तो ये बोल रहे कि चलो कुछ वेजिटेबल, यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं हम लोग, तो खाना पीने की बातें कर रहे हैं। नैबनैब भी क्या है, बाद में पागल हो गया, पहले वो भी अच्छा ही था। यहाँ पे रह के खराब हो गया उसका दिमाग। यहाँ पे अभी नॉर्मल डिस्कशंस चल रहे हैं। ये नैबनैब को ऐसे क्यों देख रहा है? ओ, ये क्या है, पत्ता गोभी या फूल गोभी? और ये यहाँ पे रख दिया। ओ, ये जेलीफिश बोल रहा कि इसने तुम्हें पत्ता गोभी दिया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कभी भी किसी को कुछ देता नहीं है। और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि जंबो जॉस को तो ये वेजिटेबल बहुत पसंद आता क्योंकि जंबो जॉस को वेजिटेबल पसंद है। और यहाँ पे बातें करके हमें पता चल रहा है कि जेलीफिश काफी दुखी है। ये अपने घर जाना चाहता है लेकिन ये बहुत ही ऐसे मिजरी में है, इसलिए इसने बच्चों को भी किडनैप करने का सोचा है। बैनबैन इसको थोड़ी सहानुभूति देने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या आवाज आई भाई, ट्रेन की? और ये आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही थोड़ी? अ लॉट ऑफ अदर क्रिएचर कैन बी इन दिस इकोसिस्टम। यहाँ पे और भी अदर क्रिएचर हो सकते हैं, कौन? ये आवाज जानी पहचानी है। ये बोल रहा है कि कौन सा है? चूचू चार्ल्स, बैनमैन को उठा लिया इसने। नैबनैब जाके बचाने की कोशिश कर रहा है। ये असली चूचू चार्ल्स है भाई, ऑफिशियल चूचू चार्ल्स। वाओ, गार्डन ऑफ बैनमैन के साथ इन्होंने कोलैब किया है, अच्छा लगा ये देख के मेरे को। और ये नैबनैब चूचू चार्ल्स को शांत कराया और बम फट गया। ओके, ये बड़ा वियर्ड था। चलो, ये अच्छा लगा कि ऑफिशियल चूचू चार्ल्स ने गार्डन ऑफ बैनमैन के साथ कोलैब किया। नहीं, चूचू चार्ल्स 2 में भी हम लोगों को गार्डन ऑफ बैनमैन देखने को मिल सकता है। हां, काफी अच्छा लगा ये चीज देख के। और जेलीफिश से हम लोगों ने बातें कर ली, इसका मतलब विजन देख लिया। ये हम लोगों को चूचू चार्ल्स दिखाना चाहता था मतलब। अभी ये वाला खोलने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज द फर्स्ट एंट्री टू व्हाट आई विल रेफर टू एज द टॉडस्टर आर्काइव्स। अंदर में तो स्नेल है, ये स्नेल को क्रिमिनल बोल रहा है टॉडस्टर। ये टॉडस्टर की रिकॉर्डिंग है। ये बोल रहा है स्नेल अपने अब से शेल के अंदर ही घुस रखा है, हम लोग इसको शेल से बाहर नहीं निकाल पा रहे स्नेल को, लेकिन ये काफी दुखी है स्नेल। तो टॉडस्टर यहाँ पे सबको बंदी भी बना रहा है। बैनबैन जा चुका है यहाँ से। अच्छा, वो हम लोग से स्टेशन में मिलने वाला था ना, वो लगता है स्टेशन चला गया है। चलो ऊपर चल के एक बार देखते हैं कि ऊपर में और क्या है। हम लोग वहीं पर आ गए हैं, ये हॉरिजॉन्टल चलने वाला एलिवेटर। तो ये अभी बैनबैन यहीं पे है, मेरे को लगा था यहीं आना है। हम लोग अभी फीडिंग सेक्टर में जाना है और फीडिंग सेक्टर हो गया ये वाला। ओके, चालू हो गया। which we haven't done up to this point, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, अब जाके इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओ, ये अपना नाम उत्मन बता रहा है।
आई वर्क हियर बिफोर एवरीथिंग केम क्रैशिंग डाउन लिटरली एंड फिगरेटली. यहाँ पे काम करता था. ये बोल रहे कि क्या कभी तुम्हारे ऐसे दोस्त थे जो कभी तुम्हारे पीछे पड़ गए तुम्हें मारने के लिए. अच्छा ये खुद की बात कर रहा है. ये जो इविल बैनमैन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है जैसा मेरे साथ होता है. भाई मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. और ये हम लोग फीडिंग सेक्टर में पहुंच गए. अब इसने उठा लिया मिस्टर कबूम को. देखो उसने भी दो टोपी पहनी है, इसने भी दो टोपी पहनी है. यहाँ पे Wait, get down. क्यों? अबे जंबो जोश की आवाज लग रही है. ओके जंबो जोश ही है ये. मैं कहाँ पे गेट डाउन करूँ? मेरे को गेट डाउन करना नहीं आता है. ये क्या कर रहा है? ये तीन वेजिटेबल है, खाएगा लगता है तीनों का. अबे ये क्या हुआ? कौन ले गया उसको? That must have been a trap that the sheriff set up earlier. Oh, sheriff ने एक trap set up किया था अपना Todster ने और वो Jumbo Josh को ले गया. Wow, Todster सबको पकड़ रहा है एक-एक करके. That wasn't locked the last time I was here. ये बोल रहे ये पहले lock नहीं था जब मैं last time आया. हाँ हाँ, अरे कोई problem नहीं है, मेरे पास key card है. था ना orange key card नहीं है क्या? ओके ढूंढना पड़ेगा. अच्छा कोई यहाँ पे puzzle solve करना है. ये reset button है. ओके और यहाँ पर एक और गेट है तो ये तो खुल रहा है. तो इसके अंदर में नीचे जाना है. आजा बैनमैन इधर से चलते हैं. नहीं जाएगा? ठीक है चल मैं जा रहा हूँ. मेरे को लगता है नीचे में कुछ मिलेगा जिससे वो ऊपर वाला पजल सॉल्व होगा. भाई ये देख के थोड़ा डरावना लग रहा है लेकिन. ओके यहाँ पर आ गए और ये रहा वो. हो ये वो टू फेस मॉन्स्टर. इसका नाम है, इसका नाम तो नहीं दिया हुआ है लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस सेफ्टी एंड यू विल बी ओके. अच्छा और ये रहा जेस्टर का रूम. ओहो ये जेस्टर का रूम इतना बढ़िया से बनाया हुआ है. यहाँ पे दो बटन है, इसको पहले खोल के देखते हैं. यहाँ पर कर ओके. अभी ये गेट खुलेगा और यहाँ पर काफी कुछ है लेकिन वो वाला रूम तो हम लोग खोल नहीं पाएंगे जहाँ तक मेरे को लगता है. और खुल जाएगा? ओके दोनों रूम खुल गया. ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. चलो पहले जेस्टर की रूम में ही चलते हैं. ओके यहाँ पे जेस्टर है नहीं, यहाँ पे जेस्टर तैयार किया जा रहा है. ये लिखा नथिंग इज फनी एनफ. इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके ये जेस्टर को बनाया गया और ये देखो ये दो बॉडी का मिक्सचर है ना, इसलिए इस पे एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़े हुए हैं. और यहाँ पर एक और रूम है, इसके अंदर में यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को? क्राउन. ओके ये क्वीन का क्राउन है क्या? और यहाँ पे ये देखो हमें लिस्ट ऑफ जोक्स मिला है. जेस्टर जोक्स लिखता है ना. तो ये कंगारू है, जेलीफिश एंड टॉड वॉक इनटू अ बार, दैट्स इट, नन ऑफ देम एक्चुअली वॉक. ओके ओके ठीक है एकदम फालतू. वाओ यू जस्ट कम इन हियर स्टील व्हाट्स आवर्स एंड देन लीव. योर ग्रीड नोज नो लिमिट्स, ओनली कंट्रोलेबल फॉर मिनट्स. ये बोल रहा है कि तुम चोर लोग मेरा जोक चुरा के जा रहे हो. लेस अबाउट दैट बट कैन आई एटलीस्ट हैव सम अप्लॉज फॉर माय लिटिल पोएम प्लीज. ये बोल रहा है कि जो मैंने पोएम लिखा था उसके लिए थोड़ी तालियां तो बजा दो. लो भाई ताली बजा देते हैं. इतना गंदा जोक लिखा था तूने लेकिन ठीक है नो प्रॉब्लम. चलो अभी चलते हैं. Don't listen to that guy over there. Okay. All he cares about are his poems. ये बोल रहा कि उसकी बात मत सुनो. I'll show you something that's actually impressive. ये बोल रहा मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. A magic trick. ये हम लोग को magic trick दिखाएगा. Open sesame. Okay. Open sesame. क्या खुलेगा? Wow. दरवाजा खोल दिया. Thank you. I think I earned a round of applause for that. हाँ हाँ ये लो तुम्हारे लिए भी तालियाँ. ये ओके इस रूम में से मस्ती मजाक था और अभी मेन मिशन यहाँ पर है. यहाँ पर अच्छा बटन दबाने हैं तो पहले हमारे ड्रोन को बुला लिया जाए. तो पहले वहाँ पे जाके बटन दबाना है. तो ये जा पाएगा इतना अंदर? दबाया क्या? नहीं दबा पाया ये. अच्छा तो हम लोग को थोड़ा घुमा फिरा के बटन दबाना और यहाँ पे एक हैट मिला है हमारे ड्रोन के लिए. तो पहले जैसे जैसे क्रॉस बना हुआ होता है ना हम लोग को ड्रोन को वैसे वैसे ही बुलाना पड़ता मोस्ट ऑफ द टाइम. तो अभी हम लोग अपने ड्रोन को वहाँ अंदर भेजे तो क्या जा पाएगा? थोड़ा सा अटक रहा है. यहाँ कांच लगा हुआ है क्या? यस यहाँ पे कांच लगा हुआ है. तो सबसे पहले तो हमें वो वाला ही दबवाना है बटन. तो उसके लिए पहले अंदर में छलांग लगा के फिर ऐसे करते हैं तो ये जाएगा. और नहीं दबा पाया. थोड़ा सा रेंज शॉर्ट पड़ रहा है. ये वाला पजल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. यहाँ पे क्रॉस तो बना हुआ है लेकिन यहाँ पर भी क्रॉस क्यों बना है? ड्रोन तो यार पूरा अंदर गया ही नहीं. ये देखो ड्रोन आधा गया और बटन अंदर में है. तो एक मिनट क्रॉस पीछे भी बना हुआ है. अच्छा अभी ड्रोन यहाँ आ जाएगा अंदर से ही और बटन दब गया.
अच्छा ऐसे करना, अब समझ में आ गया। अब ड्रोन यहाँ पर है तो ड्रोन को यहाँ पर बुला लो, तो वो सीधा सीधा अभी ये इतनी स्पीड से आता है। और अभी बटन कहाँ पे है, उस तरफ है, इस तरफ, आई थिंक इस तरफ है बटन, यस। तो अभी ये वाला बटन भी दब जाएगा एंड ओके दब गया। वो देखो अच्छा दो ग्रीन भी हो गया, अभी दो और दबाना है। तो अभी आई थिंक एक बटन यहाँ पर है, लेकिन अभी हमारा ड्रोन उस तरफ है तो हमें उसको डायरेक्टली पहले पीछे बुलाना चाहिए क्या? यस यहाँ पे बुलाना चाहिए। तो वो उड़ता उड़ता एक परिंदा उधर आया, लेकिन यहाँ पे बटन नहीं है, बटन है यहाँ पे, यहाँ पे बटन होना चाहिए। दबा दिया ओके। अभी हम लोग को लास्ट बटन दबाना है। अरे लास्ट बटन तो यहीं पर ही है यार, अंदर में है ही नहीं। तो ये इसको दबा देगा और ये वाला गेट यहाँ पे खुल जाएगा, जिससे हम लोग को एक की कार्ड मिल गया है, रेड कलर का की कार्ड। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या है, हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ बैन बैन हमारा कब से वेट कर रहा है बेचारा। तो ये ले, लेट्स गो, गेट खुल गया, आगे बढ़ो। एक और गेट है, ये बोल रहा है एक और गेट है, लेकिन इसके लिए की कार्ड नहीं चाहिए, कोई और पजल है। तो यही है वो पजल। अच्छा तो ये सुलझाना, तो भाई इसमें क्या दबाएं? ओ एक पैटर्न बनाना है, यहाँ पर भी बनेगा, तो इसका आंसर भी नीचे ही मिलना चाहिए। ये नीचे तो आ गए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा ये देखो, ये डॉट डॉट पैटर्न है। ओके 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 के, तो यहाँ पर हमें ओके बनाना है कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया के, नहीं के पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर ओके ये सही हो गया। अब यहाँ पे ओ बनाना है, ये ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ये हो गया सही। तो खुलेगा, खुल गया, लेट्स गो। Before we grab the elevator piece, there is something I need to do first. Okay. I need to hand this imposter over to someone very close to me. ये बोल रहे कि ये imposter को मेरे को किसी और को देना है। Okay, हमें बटन दबाना है और कोई आएगा और इसको लेके जाएगा। ये बोल रहा जो आ रहा है वो बहुत ही लोनली रहा है लगता है, लेकिन उसको ये नया दोस्त मिल जाएगा। We wait. Now we wait. अभी हम लोग वेट करेंगे कोई आके इसको लेके। ओए नैप नैप। नैप। ले गया। है? नैप नैप का थोड़ी ना वेट कर रहे थे शायद। नैप नैप टेक हिम। ओह अच्छा नैप नैप को नहीं ले जाने देना था, हम लोगों को किसी और को देना था, लेकिन नैप नैप ले गया। रहा भाई इतनी तेजी से भाग रहा है, रुक जा भाई भाई भाई। नैप नैप बदमाशी करता है यार, और नैप नैप शायद मरा नहीं था लास्ट गेम में। नैबलीना ने हम लोग को लगा था कि मार दिया है, लेकिन ये लोग मरते नहीं है, इनके पीछे कुछ और रीजन है। गेट बंद कर दिया वो रहा। नैप नैप वहां भाग रहा है, हम लोग को क्या पार्कोर करके जाना पड़ेगा? ओ माय गॉड, लेट्स गो लेट्स गो। ओ ये रहा। ये इसको काफी टाइम फिक्स करने की कोशिश किया नैप नैप, लेकिन ये फिक्स नहीं हो रहा। और ये कांच के ग्लास के अंदर है, लो ओए। ओ माय गॉड नहीं। ओ अरे ये इविल में कन्वर्ट हो गया, शिट। इतनी देर से बैन बैन कोशिश कर रहा था कि वो इविल में कन्वर्ट ना हो, लेकिन ओ माय गॉड उसने नैप नैप को मार ही दिया। भाई अब फाइनली अब मरा है कि नहीं मरा है? ये लोग मरते ही नहीं है। बैन बैन ये बोल रहा है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इविल बैन बैन को, यहाँ पे मेरे को कुछ काम करना है, तुम मेरे बिना जाओ। ये बोल रहा है एलिवेटर का जो सेकंड पार्ट है वो यहीं पे कहीं पे होगा, आई थिंक इसके अंदर होना चाहिए। नहीं क्या इसके अंदर? ओ ये अभी थोड़ा दुखी है क्योंकि ये इविल बैन बैन में कन्वर्ट हो गया। अरे ये रहा एलिवेटर का सेकंड पार्ट, लेट्स गो। और हम लोग को यहाँ से भी जाना है येलो की कार्ड लेके, और हम लोग को ये एलिवेटर का पार्ट लगा देना है। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और ये बंदा यहाँ पे पहले नहीं था, ये मिस्टर कबूम इसको देने वाला था क्या? बैन बैन इसके लिए मिस्टर कबूम लेके आया था। भाई हमसे बात नहीं करता है, तो ठीक है हम लोग भी निकलते हैं भाई। अभी हम लोग को हाउसिंग सेक्टर में वापस जाना है, और इस झूला में घूम के हम लोग हाउसिंग सेक्टर आ गए। अभी एलिवेटर का सेकेंड पार्ट हमें लगाना है। हम लोग गेम के काफी एंड पे आ ही गए हैं। यहाँ पर देखो नीचे आया तो यहाँ पे एक चीज पड़ी है, टोपी। अच्छा शेफ की टोपी। यहाँ पे सीक्रेट आइटम, सीक्रेट चीजें भी बहुत कुछ है। मैं सीक्रेट्स के ऊपर ना एक नई वीडियो बना दूंगा, जो हम लोग को बीच बीच में ऑडियो कैसेट्स मिलता है ना, और जो लेटर्स भी मिलते हैं वो सब सीक्रेट्स में काउंट होता है। यहाँ पर भी जरूर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, मैं इतना घूरता नहीं हूँ। ये देखो अगर तुम्हें कैसेट मिला तो तुम इस टीवी में लगा सकते हो। अभी हमें कोई टेप नहीं मिला, नीचे पे कहीं पे पड़ा रहता है, तो वो सब मैं बाद में एक साथ ढूंढ के उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा।
मैं तुम लोग को गार्डन ऑफ बैनमैन के सारे सीक्रेट्स एक साथ दिखाऊंगा। अभी तो हम लोग एलिवेटर पे चलते हैं। यहाँ पर चिड़िया हमारी कब से वेट कर रही है और ये भी कब से खड़ा है भाई। आ जाओ, ये लो सेकेंड पार्ट। यहाँ पे लगाना है क्या? ये That's two of three. Great work. Okay, दो पार्ट हो गए और अभी हमें क्वीन से बात करना है। चलो, और ये रही क्वीन। चलो फिर इनसे बात करते हैं। ये बोल रही कि आई होप तुम्हारा जर्नी सही रहा हो और एलिवेटर थोड़ा और ठीक हो गया है। हम लोग बहुत क्लोज पहुंच गए उसको पूरा ठीक करने के। ये बोल रही है कि अगर तुम बच्चों को ढूंढ लेते हो तो क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? कैन यू ट्राई एंड ओकेजनली कम विजिट? क्या तुम कभी कभी यहाँ पे आ सकते हो? क्योंकि हमारे पास विजिटर्स बहुत कम होते हैं, प्लीज आते रहना यहाँ पे। हाँ यार, मैं जरूर आऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर आऊंगा मैडम। ये बोल रही है कि लगता है तुम्हारे और भी फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं, जाके उनसे बात कर लो। भाई कितने फ्रेंड आ रहे हैं यार, बैन बैन ये लोग से मिलके तो अच्छा लगा, लेकिन और भी कौन कौन फ्रेंड आ गए। ठीक है, फिर इन्फर्मरी में चलते हैं। सारे फ्रेंड्स हमेशा यहीं आते हैं, इन्फर्मरी मतलब जहाँ पे इलाज होता है। तो यहाँ पर स्नेल तो वैसे का वैसे बैठा है। ओ बैम्बलीना, और ये देखो। This is the second entry to the Toadster. अच्छा, टॉडस्टर ने बैम्बलीना को भी पकड़ लिया है। इसको नाम दिया इसने क्रिमिनल नंबर टू, द टीचर। अच्छा, इसको टीचर बोलता है। इसको इसने थर्ड फ्लोर पे पकड़ा और ये काफी हॉस्टाइल है, मतलब मारती है ये काफी। हाँ यार, मारती तो है ये। और ये गिव अप कर दिया बैम्बलीना, इसलिए उदास बैठी है। पहले तो मारने का बहुत कोशिश की थी छुड़ाने का, लेकिन टॉडस्टर ने इसको पकड़ लिया। ये अपने आप को टीचर समझती है ना बैम्बलीना। ओ ओपिला बर्ड और वो टाटा बर्ड, क्रिमिनल नंबर 3 और 4 द बर्ड्स। ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और ये लोग बिल्कुल भी लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे, शांति से बैठे हैं। टॉडस्टर का बोलना है ये, बोला जब से पकड़ा है तब से ये लोग शांत एकदम ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। तो टॉडस्टर को लग रहा है कि ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। ओके, ओ ओ जंबो को भी पकड़ लिया और उसके हाथ बांध दिया भाई। वाओ, फोर्थ एंट्री है ये टॉडस्टर आर्काइव्स का। क्रिमिनल नंबर फाइव ग्रीन गोरिल्ला फीडिंग सेक्टर में पकड़ा, वो जो आया था ना वहाँ पे। हाँ, तो वो ट्रैप इसलिए जो बिछाया था। ये इसको तो चेन से बांध दिया है ताकि ये कुछ करे नहीं। और इन सब पे तो 1 बिलियन का वो लगा हुआ था ना इनाम। तो भाई कितने बिलियन कमा लिया बंदे ने, 1, 2, 3, 4 बिलियन तो ऐसे ही कमा लिया। और बैन बैन पे भी तो 4 लगा हुआ था और वो जेलीफिश को भी पकड़ा है इसने। सही बात है भाई, बहुत पैसे मिल गए भाई। ये देखो यहाँ पे जेलीफिश के इधर में एक टेप रिकॉर्डर है, ये जैसे वन ऑफ द सीक्रेट्स है जो हम लोग को मिल गया। और यहीं पे मेरे को नीचे में एक और लेटर मिला है और यहाँ पर देखो क्या लिखा है। डियर मॉमी, वी जस्ट हैड द बेस्ट पार्टी। ये मम्मी को लिख रहा है, मम्मी हम लोगों ने एक बेस्ट पार्टी की है। देखो क्लेयर और मैं और जेलीफिश हम लोग तीनों डांस कर रहे हैं। लेकिन नीचे में देखो मिस मेसन जो इनकी टीचर है वो गुस्से में कि तुम जेलीफिश के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहे हो। अभी जो हमें टेप मिला इस पे चला के देखते हैं तो एक सीक्रेट यहाँ पे अभी पता चलेगा। यहाँ पर ये देखो ये जेलीफिश ये रहा और ये वही रूम है जहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड गेम में मिशन किया था। तो ये जेलीफिश का रिकॉर्डिंग था ये। तो इस तरह के सीक्रेट टेप्स यहाँ पे और भी होंगे, वो तो मैं बाद में चलो तुम लोग को एक साथ ही दिखाऊंगा। अभी मेरे को जाना कहाँ पे है? अभी मेरे को लगता है वो जो घूमने वाला राइड है ना जहाँ पे हम लोग दूसरे दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, मेरे को वहां जाना चाहिए ताकि हम लोग को एक लास्ट टुकड़ा मिल जाए अपने एलिवेटर का और वो टॉर्चर को जाके हम लोग पकड़ाएंगे। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग कौन से में नहीं गए, फीडिंग सेक्टर जाके आ गए, एम्प्लॉय एक्सरसाइज सेक्टर में या फिर वेंटिलेशन सेक्टर में, इन दोनों में से किस में नहीं गए? आई थिंक एम्प्लॉय एक्सरसाइज सेक्टर में अभी तक हम लोग नहीं गए। तो वायलेट वाला दबाते हैं, लेट्स गो। और इसी के साथ ये फाइनल एम्प्लॉय एक्सरसाइज सेक्टर में हम लोग आ गए। यहाँ पे येलो की कार्ड चाहिए जो हमें मिली गया था। यहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज चेकलिस्ट, कॉग्निटिव नहीं, फिजिकल नहीं, कम्युनिकेटिव नहीं। लगता कुछ गजब का मिशन होने वाला है। और यहाँ पे कोई चीज पड़ी है क्या? ये देखो जो मैं बोल रहा था, बैम्बलीना पे 1 बिलियन का, बैन बैन पे 1 बिलियन का। ठीक है, अभी ये मिशन ही करते हैं। गेट खोलो, लेट्स गो। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है, लेट्स गो। वाओ, ये तो एकदम घर जैसा लग रहा है यार, क्या सुंदर घर है वो, इतना वेल फर्निश्ड घर, ये तो किसी इंसान का घर है। वाह, ओके, ये टॉयलेट भाई, ओके, काफी कुछ सही है यार। यहाँ पे पहली बार ऐसा घर देखने को मिला है।
और ये है द क्वीन। क्वीन के बारे में केस अपडेट दिया हुआ था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ये सब। भाई बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, गार्डन वार्डन एंड ऑल। और यहीं पर दिया है गेट योर ब्रेन्स वर्क रेडी विद दिस मॉर्निंग एक्सरसाइज। तीन गेम होंगे, दो राउंड ईच। लाइट्स आउट होते ही समथिंग इन वन ऑफ द रूम्स माइट हैव चेंज्ड। अच्छा, रिपोर्ट द रूम वेयर द चेंज हैज ऑकर्ड, मेमोराइज द कंटेंट्स ऑफ ईच रूम एंड कीप योर आई पील्ड। ओके, जैसे ही लाइट जाएगी हर रूम में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमें याद रखना होगा कि क्या चेंज होता है। तीन गेम खेलेंगे और तीनों गेम में दो दो राउंड होंगे, और हमें याद रख के ध्यान रखना है कि क्या चेंज हुआ। अच्छा, और अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है, और बाकी यहाँ पे शायद नंबर्स लिखा हुआ आएगा कि कितने चीज चेंज हुए, और टाइमर भी चलेगा। ठीक है, तो ये गेम स्टार्ट करने के लिए क्या मैं टाइमर पे क्लिक करूँ? ओके, लाइट भाई, ओ अरे मैंने तो देखा भी नहीं यार। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। चार मिनट के अंदर समथिंग समवेयर माइट हैव चेंज्ड। अच्छा, तो जो मैंने एक नज़र में देखा था उस पर मैं गेस करता हूँ कि क्या चेंज हुआ है। सब रूम में एक एक चेंजेस हुए हैं या फिर सब में मिला के एक चेंज हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा क्या चेंज हुआ है। मेरे को तो पता भी नहीं है भाई, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पर टॉयलेट की पेंटिंग याद है मेरे को, और तो देखते हैं भाई, काम करते हैं। अच्छा, कार्टून में चेंज आया, या फिर सूरज में चेंज आया, सोफा में चेंज आया, टॉयलेट में चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। कौन से रूप में चेंज आया हमें वो बताना है। इस सूरज वाले रूप में चेंज आया क्या, तब वहाँ पे क्लिक करना है। इस कार्टून वाले रूम में चेंज आया तो हमें यहाँ क्लिक करना है। इस वाले रूम में चेंज आया तब वहाँ सोफा पे, और टॉयलेट में आया तो टॉयलेट पर। नो चेंज तो नो चेंज, चलो मैं नो चेंज दबाता हूँ। ओके, जंबो जॉस आया है, गलत। ओके, सब चीज में जंबो जॉस ही क्यों है भाई। तो सबसे पहले इस वाले रूम में देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 चार सेव है, तीन चेयर है, एक टेबल है, और यहाँ पे दो केतली है। ठीक है, ये तो याद रहेगा, ईजी है। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे 2 3 2 और यहाँ पे चार ऊपर में। ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो एक वेस है, यहाँ पे 2 2 4 6 चेयर, और ये एक लैंप पोस्ट भी है। यहाँ पे कोई फोटो नहीं बनी हुई, यहाँ पे एक लैंप पोस्ट। और भी देखते हैं, यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक, मेरे को याद रहेगा क्या, फिर भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर भी लैंप पोस्ट। अच्छा, लैंप पोस्ट मेरे को लगता है गायब करेगा ये लोग, क्योंकि चारों तरफ में चार है ना। और यहाँ पर टॉयलेट की इमेज, दो बॉटल, इतनी छोटी चीज थोड़ा गायब कर देंगे। यहाँ पर ये है, और यहाँ पर कितनी चीज है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आइटम है। गाइस याद रखना और लाइक सब्सक्राइब करना। अभी चलो ट्राई मारते हैं। ओके, देखते हैं तुम्हारे भाई को कितना चीजें याद हो गई। लेट्स गो, टाइमर स्टार्ट। और देखो अभी तुम्हारा भाई एकदम सही बताएगा एक ही बार में। ये देखो, ये रहा चेंज मिल गया, ये इजी था। तो चलो लेट्स गो, इसको जल्दी से कर दिया हम लोगों ने, एंड इट इज करेक्ट। यस, अभी नेक्स्ट चेंज ढूंढना है ना, नेक्स्ट चेंज ढूंढना है ना। ओ अच्छा, अभी लाइट जाएगी पहले, और कर दिया, ये वापस आ चुका है। और अभी यहाँ पर 3 2, ये तो नॉर्मल ही रहता है। तो अभी इन दोनों में से बाथरूम में और यहाँ पे, इन दोनों में कहाँ पे कुछ चेंज आया है हमें वो चीज देखना है। ओ, लैंप पोस्ट गायब है। मिल गया, ये लिविंग वाला, ये वाला है, बिल्कुल सही। 20 सेकंड के अंदर आ गए हम लोग, लेट्स गो। एंड ये भी सही हो गया। अभी मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ चेंज करने चाहिए। ओके हैं, ओके, एक गेम कंप्लीट हो गया है। तीन गेम होता है ना दो राउंड का, तो अभी हम लोग दोबारा से स्विच को दबाते हैं। एक गेम हो गया, अभी दूसरा गेम स्टार्ट हो रहा है। चार मिनट फिर से, और यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर बीच में वॉस गायब है। मेरे को अच्छे से याद है, इसको मैंने अच्छे से याद किया था। तो लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल के ऊपर एक वॉस गायब है, ये थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। छोटी छोटी चीज गायब कर रहे हैं अभी लोग। सही जवाब। अभी दूसरा गेम के लिए लाइट बंद करेंगे। देखिए, मेरे को लगता है एप्पल गायब करेगा ये लोग, अगर मैं देखूं तो। पूरा अंधेरा कर दिया, नहीं किया एप्पल गायब, नहीं किया इन्होंने। तो यहाँ पर ये तो एकदम इजी मेरे लिए था। लेट्स गो कार्टून। ओके, तो दो राउंड के लिए 4 मिनट तो बहुत है, मैं तो 30 सेकंड में कर देता हूँ। ये लो, हो गया। अभी थर्ड गेम जिसमें दो राउंड और होगा, लेट्स गो।
यहाँ पर दो कितली, तीन विन, चार सेव, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर भी ये पैटर्न एकदम सही है। यहाँ पर ये देखो, ये चीज वापस आ गई। यहाँ पर लैम्प पोस्ट है, ये है, ओके, ये तीन था, ये एक था, सब कुछ सही लग रहा है मेरे को। ये पैटर्न भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर भी सब सही है भाई। ओके, ये अंदर में भी सेवन है भाई, सब याद है मेरे को। ये था कि हाँ, ये दो था, सही है। तो आई थिंक नो चेंज, इस बार मैं कॉन्फिडेंट हूँ काफी ज्यादा कि कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। नो चेंज, मेरे को तो यही लग रहा है। क्या मैं सही हूं? Yes! देखा, मेरे को पूरा याद हो चुका है भाई। अभी दूसरा राउंड और ये लास्ट राउंड होगा, फिर हम लोग आगे जा पाएंगे और आगे में भी एक पजल होगा। देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर इस रूम में अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, इस रूम में भी कोई चेंज नहीं है, इस रूम में अभी कोई चेंज तो आना चाहिए वैसे। यो, यहाँ पे गायब है। टेबल पे चीजें पड़ी थी। लिविंग रूम में चेंज है, लिविंग रूम में चेंज है, और ये भी हो जाएगा सही। और अभी कौन सा गेट खुलेगा, ये वाला है वो वाला? आई थिंक वो वाला गेट खुलेगा। लेट्स गो। अच्छा, दोनों ही खुल गया, तो हमें वहां से जाना है। लेट्स गो। यस, ये देखो जेस्टर पे भी 1 बिलियन का रिवॉर्ड है। गेट को खोलते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव हो गया, अभी फिजिकल टेस्ट होगा, फिर कम्युनिकेटिव टेस्ट होगा। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन का टेस्ट, तो ब्रेन का टेस्ट हम लोगों ने पास कर लिया। ओ, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में हमें जेस्टर से फाइट करनी है, वो भी इतने बड़े हॉल में। वाओ, चलो मैंने एक्चुअली ओ बापरे, इतनी डेडली स्माइल है इसकी, ठीक है। और कैंगरू, ओके, करना क्या है? बापरे, अबे चेस सीन आ गया क्या यहीं पे ही? ओ, बटन आया है चार, करना क्या है? हेलो, अबे मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ओ भाई, ये स्विच दबाया तो ये सीधा उधर गया। ओए, मेरी तरफ आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बटन दबाता हूँ तो ये रोल करता है और उसकी तरफ भागता है। ओके, अभी ये बटन दबाएं तो क्या होगा? ये भागा, टेढ़ा भाग रहा है। मेरे को इसको सीधा भगाना है, आई थिंक इन पे हिट कराना है मेरे को इसको। पहले इसको यहाँ लेके आता हूँ मैं। हाँ, आजा इधर आजा। ओके, अभी मैं भाई, ये जंप स्केयर बहुत खतरनाक था। ओके, चलो ये देखो 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 कैसे हंसता है। मैं इसके पीछे जाऊंगा। अरे जाने दे भाई, नहीं जाने देगा। और यहाँ पे अभी कैंगरू आएगा। आ जा। एक काम कर, मैं तेरे को सीधा ही बुलाता हूँ, सीधा, और इस बटन पे दे मार। ओके, आ रहा है, आ जा इधर आ और दबा बटन को। अब टेढ़ा क्यों हो गया? ओके, और ये ओके, यही करना है, बटन दबाना है। लेकिन बटन दबाने से कुछ हुआ तो नहीं। एंड ये मेरे पीछे पड़ गया भाई, अभी फिर से इतना खतरनाक जंप स्केयर देगा ये मेरे को। यहाँ पे बटन दबा, अब उधर कहाँ भाग गया? मेरे को लगता है मेरे को ये बटन दबवाना, ये रेड हो रखा है। देखिए, दबा दे भाई, दबा दे, जो जो रेड है उसको दबवाना है पहले। यहाँ पे आओ, और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। यस, अब बटन दब जाएगा, लेट्स गो। अरे यार, अच्छा ये बटन दबाने से रेड डॉट चेंज हो जाता है, ये भी है। ओके, एंड अभी दबा भाई। अरे भाई भाई भाई, ओके, भागेगा भी, अभी बटन दबा देगा, लेट्स गो, दब गया। ओके, ग्रीन हो गया वो, देखा, रेड से ग्रीन हो चुका है, तो अब वो वाला दबाना है और उसको ग्रीन करना है। यस यस, बहुत बढ़िया। अभी टेढ़ा, हाँ, आइए आइए और घुर्राइए, और मैं भाग जाता हूँ। और ये हो गया दूसरा बटन, अभी आइए दबा दीजिए। ये हुई ना बात, एकदम फास्ट, हाँ बहुत ही बढ़िया। अभी ये लास्ट बचा है, आइए आइए सर, सर सर सीधा आइए सर, हाँ सर, यहाँ सर आइए सर, हाँ बहुत ही बढ़िया सर, बस बस सर, अभी इधर जाना है। अबे एक रह गया था यार, और ये, ओ माय गॉड, चारों बटन दबाने से सर को क्या हो गया? सर लुढ़क कैसे गए सर? सर ये क्या हो गया सर? आपको इलाज की जरूरत है? खा तो नहीं जाए, ओए ये क्या हो गया? इनके चार बाल बाहर आ गए। वाओ,
ओके ओ ठीक है, बाय 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 मेरा ड्रोन। और ये कैंगारू का नाम है किटी सोरस। म्याओ एट फ्रेंड्स, रोर एट द फेस ऑफ एनिमीज। भाई मैं एनिमी दिख रहा हूँ क्या यार, मैं इतना प्यारा बच्चा हूँ। ओके फिजिकल हो गया, अब कम्युनिकेटिव स्किल बाकी है, तो यहाँ पर इसको दबाते हैं, ये दब नहीं रहा। तो यहाँ पर लिखा है नॉट क्वाइट रेडी फॉर वर्क, गेट थ्रो हियर। तो ये वाला सॉल्व करने के बाद लगता है ब्लू की कार्ड मिलेगा और फिर वहां जाना है। ठीक है चलो लेट्स गो। ये क्या है भाई, यहाँ पे ये चीज कुछ गजब की मिली है। यहाँ पर दो कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे लगता है मिशन है ये, क्वीन बाउंसिलिया मिशन। क्वीन बाउंसिलिया इज लुकिंग फॉर क्रिस्टल फॉर हर क्राउन। अच्छा हमें क्रिस्टल ढूंढने हैं, तो क्रिस्टल से 8 ढूंढने हैं, तो तीसरा मिल गया और यहाँ पर लगाना है ये देखो इस तरीके से। तो 3 लगा दिए हम लोगों ने, फिर इसके अंदर से सामान मिलेगा लगता है 8 लगाने के बाद। तो यहाँ पे 4, ये हो गया 5, यहाँ पे 6, यहाँ कॉर्नर में 7, और फिर ये बटन दबाना है क्या? ओके पहले ढूंढना पड़ेगा, मैंने पहले ही बटन तो दबा दिया है, तो वो बटन दबाने से कुछ तो हुआ। अच्छा वो बटन दबाना ही था। ओके 7 मिलने के बाद वो बटन, और ये रहा 8। तो अभी कुछ गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर मिलेगा, और ये रहा ब्लू की कार्ड। और चलो फिर यहाँ पर पहले इसको करना है, फिर ये ड्रोन दबाना होगा। नहीं पहले ही, वाओ ओके चलो फिर यहाँ पर चलते हैं, लेट्स गो। हमारा कम्युनिकेटिव स्किल हो भी गया इतनी जल्दी। अच्छा और ये हमें तीसरा पार्ट मिल गया एलिवेटर का। ओके जस्टर ये रहा, ये कोई जोक मार रहा है बहुत ही घटिया सा। अभी मेरे को कहीं तो भागना पड़ेगा क्योंकि एनिमी लग रहा है मेरे को। ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊंगा जो ह्यूमन जाति में तुमने कभी नहीं सुना होगा, और एक बहुत ही घटिया सा जोक मारा है इसने मेरे को, इसका मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है इसने। ये बोल रहे कि जो क्वीन है मेरे को उसको हंसाना है ताकि उसके पाउच में से मैं नॉटी वंस को निकाल सकूं, मेरे को लगा ही था। तो ये क्वीन को जोक सुनाना चाहता है, ये अभी हम लोग के सामने ये बात बोल रहा है, लेकिन इसने कुछ रियलाइज किया। ये बोल रहा आई एम द अल्टीमेट जोक्सटर, मैं सबसे अच्छे जोक्स मारता हूँ, मेरे से बढ़िया जोक्स कोई नहीं मार सकता। अच्छा लेकिन शेरिफ की वजह से मैं क्वीन तक नहीं पहुंच पा रहा। ओके ओके ये खुद जा रहा है शेरिफ को पकड़ने। भाई गेट खोलो भाई, हेलो मुश्किल हो गया ना, प्रॉब्लम हो गई। तो अभी मेरे को, अच्छा अब मेरे को ये बटन दबाना है यहाँ पे ताकि मैं गेट खोल सकूं। खोल भाई खोल। ओके लेट्स गो, और जेस्टर यहाँ से भागा। भाई वो क्वीन का पाउच में गुदगुदियां करने जा रहा है, हम लोग को उसको रोकना पड़ेगा। अगर क्वीन के पाउच में से नॉटी वंस निकल गए तो भाई दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर हम लोग पहुंच गए, और ये देखो भाई क्वीन के पास ऑलरेडी यहाँ पे लोग पहुंच गए हैं, क्वीन खड़ी है वहाँ पे। ओके कुछ गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे। वो रहा जेस्टर, और ये टॉटस्टर कैंगारू आ गया यहाँ पे। ये बोल रहे कि फाइनली मैं यहाँ पे आ गया जो मैं करना चाहता था, अब मैं तुम्हें जोक सुनाऊंगा। और क्वीन बोल रही है कि जाओ यहाँ से, मेरे को जोक मत सुनाना। ओ, ओ, ओके अरे हमारा बर्ड वहां पे कूद गया इसके अंदर, हमारा छोटा सा प्यारा सा बर्ड जिसको ले लेके घूम रहे थे हम लोग। ओ माय गॉड, अबे यार ये तो भद्दा दिखने लग गया, ये बड़ा हो गया और अब ये क्वीन की मदद करेगा। कैंगारू को उड़ा दिया, लड़ाई हो रही है भाई। ओ ले गया भाई, ये बोल रहा है कि मैंने क्वीन आपके सारे ऑर्डर्स माने थे, लेकिन बस आज मेरे को आपको हंसाना है। भाई ये क्यों पड़ा है यार, देखो इसके पॉकेट में नॉटी वंस है। ये बोल रही है कि तुम्हें पता नहीं है कि अगर मैं हंस दूंगी तो क्या होगा। ये बस चाहते है कि क्वीन को हंसाना चाहता है, ये नॉटी वंस को आजाद नहीं करना चाहता, ऐसा इसका कुछ मन में नहीं है, लेकिन ये क्वीन को हंसते हुए देखना चाहता है। अजीब आदमी है यार ये, और ये माफी भी मांग रहा है। I'm sorry, लेकिन मेरे को हंसाना है तुम्हें। अभी जोक सुना रहा है। What did the train conductor say to the kangaroo? ट्रेन कंडक्टर ने कैंगारू से क्या कहा? Hop on, क्योंकि कैंगारू हॉप करता है। क्या जोक है ये पालतू सा हंसी। इसको बेकार लगा ये जोक। ओ और बेकार जोक में हंस दिए शर्ट, ये हंस दिए और इसके पॉकेट से नॉटी वंस निकल रहे हैं। Oh, I managed to get to the elevator to work. Oh, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया? Shit. The naughty ones are escaping. अबे, naughty ones are escaping. और जेस्टर हमारे पीछे आ रहा है। कैंगरू के पेट में से naughty ones निकल गए और टॉटस्टर वहां पे भाग रहा था। कहाँ भाग रहा था वो? अबे कहाँ गया टॉटस्टर? अबे मैं फंस गया। Shit. Shit, 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 shit. अरे भाई, 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 भाई.
अरे वो टॉर्चर वहां भगाया था, हमें एलिवेटर पे जाना है, वो तीसरा पार्ट भी तो हमें मिल गया था ना एलिवेटर का, तो अभी हमें वो लगाना है। और ये जेस्टर देखो कैसे भाग रहा है, पहले तो जोक सुनाता है और फिर पीछे मारने के लिए भागता है। यार ये तो गलत काम कर दिया ना, अभी नॉटी वंस अगर निकल गए हैं तो टॉर्चर बोला कि पूरा किंगडम अभी खतरे में है, तो हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो चलो भाई, और वो हमारा बर्ड कहाँ गया, हमारा मिनी ओपिला बर्ड। और जेलीफिश, यहाँ पे जेलीफिश क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं जेलीफिश? हेलो, और ये लिफ्ट जाने लग गया नीचे। भाई ये क्या कर रहे, ये बोल रहे कि मैंने जितना मेहनत से यहाँ पे काम किया था वो सारा खराब हो गया। ये बोल रहे कि मैंने अदर प्रिजनर्स को भी बाहर निकाल दिया है ताकि वो लोग हमारे थोड़ा काम आ सके, मतलब अदर प्रिजनर्स मतलब बैम्बलीना और वो स्नेल, इन लोग की बात कर रहा है ये। और ये बोल रहे कि हमें क्वीन का सेप्टर ढूंढना है, सिर्फ वो ही हमें बचा सकता है। और इसी के साथ ये गेम यहीं पे खत्म हो गया। ओके गाइस, अभी हमें गार्डन ऑफ बैनमैन 6 खेलना है। एक्चुअली में ये लोग गार्डन ऑफ बैनमैन 5 भी बना रहे थे लेकिन उसकी स्टोरी छोटी थी, तो इन्होंने 5 और 6 की स्टोरी एक साथ मिला दी है। तो अगर इनको स्टोरी मिलाना ही था तो उसका नाम गार्डन ऑफ बैनमैन 5 ही रख देते, 6 क्यों रखा? इसके पीछे कोई और भी सीक्रेट होगा तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो तुम लोगों को कल ही देखने को मिल जाएगी। और लास्ट वीडियोस तुम लोग जाके देखो, पूरा सीरीज 1, 2, 3 अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो। चलो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।